Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about cleavage. In this lecture, in cleavage rate, we discuss introduction of cleavage, characteristic of cleavage, difference between cleavage and normal mitosis, plane of cleavage, pattern of cleavage, law of cleavage, outcome of cleavage, and different types of blastula. ये जो cleavage का जो topic है, इसको हम तीन डिफरेंट पार्ट के अंदर तीन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड नॉर्मल माइटोसिस एंड प्लेन्स ऑफ क्लीवेज को डिस्कस करेंगे. सेकंड वीडियो के अंदर हम पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज एंड लॉ ऑफ क्लीवेज को डिस्कस करेंगे. और थर्ड वीडियो पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आउटकम और टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्लास्टुला को डिस्कस करेंगे. इन दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्लीवेज. तो क्लीवेज की बात करें तो जो क्लीवेज प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. इन सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं. और इस क्लीवेज के प्रोसेस से क्या होता है कि जो जायगोट है वो कन्वर्ट होता है मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला के अंदर. बिकॉज क्लीवेज के अंदर क्या होता है, आपके रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिसके कारण सिंगल सेलुलर जो जायगोट है वो आपका चेंज होता है मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला के अंदर बाई दी डिफरेंट माइटोटिक डिविजन्स. इसके अलावा हम बात करें कि आपकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, दैट मींस एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. इस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, आपके फाइव डिफरेंट स्टेप प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन होती है. सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसमें बोथ मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो आपस में क्या होता है, आपके फ्यूज होते हैं, जिसके रिजल्ट से क्या होता है, आपकी जायगोट की फॉर्मेशन होती है. थर्ड जो स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का दैट इज क्लीवेज. तो थर्ड स्टेप की हम बात करें तो थर्ड जो स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज. तो क्लीवेज थर्ड स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का. वाइल अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का कैसा स्टेप होता है, आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बिकॉज गैमेटोजेनेसिस से आपके क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वाइल फीमेल के अंदर क्या होती है, आपके ओजेनेसिस से क्या होती है, आपकी एग की फॉर्मेशन होती है. दोनों कैसे होते हैं, आपके हैप्लोइड इन नेचर के होते हैं, दोनों सिंगल सेलुलर होते हैं. आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, आपका जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ये फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड होता है, बट कैसा होता है, सिंगल सेलुलर होता है. आफ्टर दैट क्या होता है, इस जायगोट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल माइटोटिक डिविजन होते हैं, रैपिड माइटोटिक डिविजन होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, आपका चेंज होता है ब्लास्टुला के अंदर बाई द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं. तो ये जो क्लीवेज जो प्रोसेस है इसमें फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है. एक सिंगल सेल से क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला के अंदर चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि जो क्लीवेज जो प्रोसेस है वो कैसा, आपका फर्स्ट स्टेप है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, वाइल थर्ड स्टेप है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस का. इसके अलावा आफ्टर द क्लीवेज जैसे जायगोट है, जायगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज अगर हुआ तो एक सिंगल सेलुलर जो जायगोट है वो आपका चेंज होता है, टू सेल स्टेज के अंदर चेंज होता है. तो इंडिविजुअल जो सेल्स होते हैं आफ्टर द क्लीवेज उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं. द डॉटर सेल्स फॉर्मड बाय द क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, उनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टो मियर्स कहेंगे. इसके अलावा जो क्लीवेज का जो प्रोसेस है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था इन फ्रॉग जायगोट इन 1738 बाय स्वामेड्रम. एक साइंटिस्ट है स्वामेड्रम, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्लीवेज प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व किया था 1738 में फ्रॉग के जायगोट के अंदर. तो ये था बेसिक्स ऑफ क्लीवेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. तो जो क्लीवेज जो प्रोसेस होता है, रैपिड जो माइटोटिक डिविजन्स का प्रोसेस होता है, तो जनरली जो रैपिड माइटोटिक माइटोटिक डिविजन्स होता है उसमें फोर फेज प्रेजेंट होता है, जिसमें एक होता है G1, सेकंड होता है आपका S फेज, थर्ड होता है आपका G2 एंड फोर्थ होता है आपका M फेज. तो चार फेज प्रेजेंट होता है. बट अगर हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज के अंदर G1 और G2 जो फेज होता है ये आपके क्या होते हैं, दोनों अब्सेंट होते हैं. ओनली S और M फेज क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो डिवीजन है वो कैसा हो सके, आपका रैपिड डिवीजन हो सके. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपका जो क्लीवेज होता है इसके अंदर आपके नो G1 G2 फेज प्रेजेंट, इसमें G1 और G2 फेज क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं.
ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एस और एम फेज, क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, क्यों, ताकि आपका क्या हो सके रैपिड डिविजन क्या हो सके अकर हो सके। इसके अलावा हम बात करें जब भी डिविजन होता है, जैसे आपके जायगोट की बात करें तो आपका जायगोट है सिंगल सेलुलर जायगोट है, इस जायगोट के अंदर क्या हुआ, मान लो आपका फर्स्ट क्लीवेज अकर हुआ तो क्लीवेज के कारण क्या हुआ आपकी ब्लास्टोमियर सेल्स फॉर्म हुई, तो ये जो ब्लास्टोमियर जो सेल फॉर्म हुई है इंडिविजुअल जो सेल फॉर्म हुई है इनके साइज की अगर हम बात करें, जायगोट की बात करें और एक इंडिविजुअल ब्लास्टोमियर की बात करें, तो इनका जो साइज होता है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि जायगोट की बात करें एक सिंगल सेल था वो क्या हो गया आपकी टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो इसका जो साइज है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। वाइल नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स के नंबर जायगोट के क्या थी एक सिंगल सेल थी, वाइल फर्स्ट क्लीवेज के कारण क्या हो गया आपका ये टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो सेल्स के जो नंबर है वो क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, तो सेल नंबर क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, सेल का जो साइज है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। वाइल एम्ब्रियोनिक साइज की बात करें तो जितना साइज जायगोट का उतना ही दोनों ब्लास्टोमेरस का क्या होता है आपका कंप्लीट साइज होता है, तो एम्ब्रियोनिक साइज क्या होता है आपका रिमेन कॉन्स्टेंट होता है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद एवरी क्लीवेज प्रोग्रेसिव क्लीवेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, कि एवरी जो प्रोग्रेसिव जो क्लीवेज होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स, जैसे फर्स्ट क्लीवेज था दो सेल्स फॉर्म हुई, सेकंड क्लीवेज से क्या होगा आपकी फोर ब्लास्टोमियर्स क्या होगी आपकी फोर सेल्स क्या होगी आपकी फॉर्म होगी, ये जो फोर सेल्स फॉर्म हुई है इसमें सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं एवरी टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो साइज है सेल्स का वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, वाइल एम्ब्रियोनिक जो साइज है वो आपका कैसा रहता है रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। तो तीन चीज इसमें याद रखनी है कि जो सेल्स के नंबर्स है वो हमेशा क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, एवरी क्लीवेज प्रोग्रेसिव क्लीवेज से क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, वाइल साइज की बात करें तो साइज क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, जायगोट से टू ब्लास्टोमेर सेल्स है आपका साइज क्या हो गया डिक्रीज हो गया, दो से चार में डिविजन हो गया तो साइज और भी ज्यादा क्या हो गया आपका डिक्रीज होगा। हाउएवर अगर हम एम्ब्रियोनिक साइज की बात करें एम्ब्रियो की साइज की बात करें तो कैसा रहता है आपका रिमेन सेम रहता है, तो सेकंड सेल का साइज डिक्रीज होता है, थर्ड जो एम्ब्रियो का जो साइज है वो क्या रहता है आपका रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ओनली ट्रांसलेशन अकर होता है ड्यूरिंग द क्लीवेज प्रोसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होता है आपका अब्सेंट होता है, तो क्लीवेज स्टेज के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है अब्सेंट होता है, ओनली क्या कर होता है आपका ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस अगर होती है दैट मींस नो आरएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द क्लीवेज प्रोसेस। इसके अलावा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है रिमेन पेसिव होता है, पेसिव का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो कंट्रोल है आपके ब्लास्टोमियर्स पे जायगोट पे उसका कंट्रोल किस पे अभी मैटरनल कंट्रोल, दैट मींस जो मदर है वो क्या कर रही है इसके डिवीजन पे क्या कर रही है आपका रेगुलेशन कर रही है, तो मदर का रेगुलेशन होता है ड्यूरिंग द क्लीवेज, दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्लीवेज जो डीएनए होता है वो कैसा होता है आपका पैसिव होता है, मैटरनल क्या होता है उनके अंदर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें बताया एन बाई सी रेशो इंक्रीज, एन का मतलब यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियर, एन का मतलब क्या है न्यूक्लियर और सी का मतलब क्या है आपका साइटोप्लाज्म, एन का मतलब क्या है आपका न्यूक्लियर और सी का मतलब क्या है आपका साइटोप्लाज्म, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर बाई साइटोप्लाज्म रेशो की बात करें तो जो न्यूक्लियस है एवरी डिविजन में क्या हो रहा है आपका एस फेज अकर है, दैट मींस आपका जो जीनोम है डीएनए है वो क्या हो रहा है एवरी टाइम्स रेप्लिकेट कर रहा है, तो न्यूक्लियर जो साइज है वो आपका एवरी टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर साइज क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, वाइल साइटोप्लाज्म एक सिंगल सेल जायगोट था वो आपके टू सेल्स में डिवाइड होगा उसमें साइटोप्लाज्मिक डिविजन, दैट मींस कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट साइटोकाइनेसिस आपकी हो रही है, तो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एवरी टाइम ब्लास्टोमेर आप जायगोट से ब्लास्टोमेर हम कंपेरिजन करें तो जायगोट के अंदर न्यूक्लियस और आपके ब्लास्टोमेर के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपका इंक्रीज हुआ है, वाइल साइटोप्लाज्म की बात करें एक सिंगल ब्लास्टोमेर और जायगोट के साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो क्या आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एन बाई जो सी रेशो है वो आपका इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द क्लीवेज, तो बट कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एन बाई रेशो सी तो डिक्रीज होता है तो इसका उल्टा क्या होगा आपका सी बाई एन रेशो, तो सी बाई एन रेशो क्या होता है आपका डिक्रीज, क्योंकि स्टूडेंट को याद रहता है कि एन बाई सी रेशो तो इंक्रीज होता है बट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सी एन बाई रेशो क्या होगा, तो
ऑप्शन ए में आपको इंक्रीज ही मिलेगा, बट आंसर क्या होगा, डिक्रीज। एन बाई सी रेशियो की बात करें तो इंक्रीज होता है, वाइल सी बाई एन रेशियो की बात करें तो क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका कि जो क्लीवेज होता है वो कैरेक्टराइज होता है बाई सिंक्रोनस डेवलपमेंट, दैट मींस इवन नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं आपकी फॉर्म होती है। तो दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, एक आपकी सिंक्रोनस डेवलपमेंट जिसमें क्या होते हैं आपके इवन नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं, बिकॉज ईच जो ब्लास्टोमियर है वो क्या होते हैं आपकी सेम टाइम पे डिवाइड होती है। अगर सेम टाइम पे क्या होगा आपका डिविजन होगा, तो आपकी जो डिवीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस डिवीजन बोलेंगे, सिंक्रोनस डेवलपमेंट बोलेंगे, और इसके कारण जो सेल्स फॉर्म होगी वो कैसी होगी आपकी, इवन नंबर होगी। जैसे अगर हम बात करें एक सिंगल सेलुलर जायगोट है उसमें फर्स्ट क्लीवेज हुआ, दो सेल्स फॉर्म हुई, सेकंड से आपके फोर सेल्स फॉर्म हुई, देन आपकी एट सेल, एट के बाद 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। तो आपके जो नंबर है वो आपके एवरी टाइम्स क्या हो रहे हैं, आपके डबल्स हो रहे हैं। जो सेल्स के नंबर है वो आपके क्या है, इवन नंबर्स है, बिकॉज जो सेल्स है वो क्या हो रही है आपकी, डिवाइड हो रही है सेम टाइम पे। बट अगर हम बात करें एगो टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस बोलते हैं। एसिंक्रोनस जो डिवीजन होता है इसके अंदर क्या होता है आपकी ओड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसे आपकी एक है तो एक से आपकी दो ब्लास्टोमियर फॉर्म होगी, एक सिंगल सेलुलर जायगोट से, दो से क्या होगी आपकी तीन ब्लास्टोमियर फॉर्म होगी, देन आपकी फाइव फॉर्म होगी, देन आपकी सेवन फॉर्म होगी, देन नाइन फॉर्म होगी एंड सो ऑन। तो एवरी टाइम जो नंबर्स है वो आपके कैसे मिल रहे हैं आपको, ओड नंबर ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर जो डिविजन होता है, सेल्स के अंदर जो डिविजन होता है वो कैसा होता है आपका, डिफरेंट टाइम पे क्या होता है आपका, डिविजन अगर होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपका एक सिंगल सेलुलर जायगोट है, आपकी एक सेल क्या है आपकी जायगोट है, इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज अगर हुआ तो आपकी जो ब्लास्टोमियर फॉर्म हुई आपकी क्या हुई, टू ब्लास्टोमियर फॉर्म हुई, एक ब्लास्टोमियर या आपकी सेकेंड ब्लास्टोमियर फॉर्म हुई। तो आपकी फर्स्ट जो ब्लास्टोमियर है उसके अंदर जो डिविजन है वो आपका फास्ट अगर हो रहा है तो आपकी फर्स्ट सेल्स आपकी अर्ली क्या होगी, डिवाइड होगी। वाइल अगर हम बी सेल की बात करें, आपकी सेकंड सेल्स की बात करें, तो इसमें स्लो डिवीजन होने के कारण आपका जो डिवीजन है जब तक फर्स्ट सेल ने कंप्लीट कर लिया आपकी सेकंड सेल डिवाइड नहीं कर पाई, तो इसमें जो सेल्स फॉर्म हुई वो आपकी कितनी होगी, आपकी थ्री सेल्स क्या होगी आपकी फॉर्म हो गई, जिसके कारण जो नंबर्स है वो कैसे हो गए आपके, इवेंट्स हो गए, क्योंकि इनमें जो सेल्स का डिवीजन है वो कैसा हो रहा है आपका, डिफरेंट टाइम से हो रहा है। तो एसिंक्रोनस में ओड नंबर ऑफ सेल्स मिलती है, वाइल सिंक्रोनस में क्या होती है आपकी, इवन नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है आपकी, फॉर्म होते हैं। तो अगर हम क्लीवेज की बात करें, अर्ली क्लीवेज की बात करें, तो अर्ली जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है आपका, सिंक्रोनस होता है, रैपिड होता है, फास्ट होता है। वाइल लेट क्लीवेज की बात करें तो लेट क्लीवेज कैसा होता है आपका, एसिंक्रोनस होता है, जिसके अंदर आपकी ओड नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है आपकी, फॉर्म होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि ड्यूरिंग द क्लीवेज जो प्रोमिनेंट एमपीएफ होते हैं वो आपके सीडीके वन और आपके साइक्लिन बी होते हैं। तो एमपीएफ का मतलब क्या होता है आपके, माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर, माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर की बात करें तो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, जब कोई भी सेल्स है एक फेज से दूसरे फेज में जब एंटर करती है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके साइक्लिन डिपेंडेंट होते हैं। तो उन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को हम क्या बोलते हैं, सीडीके काइनेज बोलते हैं, जिनकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो सीडीके की फॉर्म में आपकी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो ये आपके वर्क करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, साइक्लिन पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीवन से अगर एस फेज में जाना है, तो जब जीवन से एस फेज में सेल्स आपकी एंटर करेगी तो उसको क्या करने का, कुछ चेक पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, वो क्या होता है आपके साइक्लिन सीडीके डिपेंडेंट क्या होता है आपका, रेगुलेशन होता है। अगर स्पेसिफिक साइक्लिन फॉर्म होते हैं तभी क्या होती है, एक सेल्स अनदर फेज के अंदर, नेक्स्ट फेज ऑफ सेल डिविजन के अंदर क्या करते हैं आपकी, एंटर करते हैं। तो ड्यूरिंग क्लीवेज प्रोसेस जो माइटोजन प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सीडीके वन होते हैं और साइक्लिन कौन सी होती है आपकी, बी होती है। तो डिफरेंट टाइप के सीडीके होते हैं, सीडीके वन, सीडीके टू, सीडीके फोर, सीडीके सिक्स, इसी तरह साइक्लिन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन ई। तो ड्यूरिंग द क्लीवेज जो सीडीके होता है वो कौन सा होता है, सीडीके वन होता है, वाइल साइक्लिन की बात करें तो साइक्लिन डी क्या होती है आपकी, प्रोमिनेंट अगर होती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो
नॉर्मल जो माइटोसिस होता है और आपका जो क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक मेन डिफरेंस तो क्या है, साइट की बात अगर हम बात करें तो जो क्लीवेज जो प्रोसेस है वो कहाँ पे अकर होता है, जायगोट के अंदर अकर होता है या फिर जिन एग के अंदर क्या होता है आपकी पार्थिनोजेनेसिस होता है, जो पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म होता है। तो पार्थिनोजेनेटिक जो है वो होता है, और जायगोट जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपका क्लीवेज अकर होता है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो सोमेटिक जो सेल्स है उनके अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस अकर होता है। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस में भी क्या होता है आपका माइटोसिस अकर होता है आपकी पीजीसी सेल्स में, जो अपने नंबर्स को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। बट अगर मोस्ट ऑफ बात करें तो मोस्ट ऑफ जो माइटोसिस है वो अकर होता है आपका सोमेटिक सेल्स के अंदर अकर होता है। सेकेंड हम बात करें कि आपका जो नॉर्मल जो माइटोसिस होता है इसके अंदर जो इंटरफेज जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग इंटरफेज होता है। वाइल क्लीवेज की बात करें तो इसमें जो इंटरफेज होता है वो कैसा होता है आपका शॉर्ट होता है, ताकि जो डिवीजन हो वो कैसा हो आपका रैपिड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें कि जो क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है इसमें जो ग्रोथ जो फेज होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अकर नहीं होती। वाइल माइटोसिस की बात करें, नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है आपकी ग्रोथ अकर होती है ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान इसके अंदर क्या होता है आपकी सेल का जो साइज है वो क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। जैसे अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो आपका जो जायगोट है, जायगोट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज के कारण जो साइज है ब्लास्टोमेरस का, जो डॉटर जो सेल्स है वो आपका साइज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वाइल अगर हम माइटोसिस की बात करें तो नॉर्मल आपकी जो सेल्स है सोमेटिक सेल्स है अपने साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है ड्यूरिंग दी इंटरफेज। तो इनके अंदर जो साइज है सेल्स का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रोथ फेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान। वाइल क्लीवेज के अंदर जो साइज है ग्रोथ है वो क्या होता है आपकी अकर्स नहीं होती। तब रैपिड डिविजन होता है क्लीवेज के अंदर, तो रैपिड क्लीवेज होता है तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी कैसी होती है आपकी, हाई कंजप्शन होती है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो नॉर्मल माइटोसिस में जो ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो कैसी होती है आपकी, लो कंजप्शन होती है एज कंपेयर टू क्लीवेज। बिकॉज क्लीवेज के अंदर रैपिड डिविजन हो रहा है तो रैपिड डिविजन के कारण क्या हो रहा है आपकी हाई कंजप्शन होती है। वाइल नॉर्मल जो माइटोसिस होता है आपके स्लो डिविजन अगर होता है एज कम्पेयर टू क्लीवेज, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी कैसे होती है आपकी, लो कंजप्शन से क्या लो कंजप्शन होती है, यूज होता है आपका ऑक्सीजन का। इसके अलावा अगर हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज में क्या होता है, डॉटर सेल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपका जो एक सिंगल सेल जो जायगोट था ये आपका क्या रहा है, दो सेल्स के अंदर डिवाइडेड हो रहा है। एवरी टाइम्स जो सेल का जो साइज है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो नॉर्मल माइटोसिस में आफ्टर दी माइटोसिस जो साइज होता है डॉटर सेल्स का वो क्या होता है, सेम होता है एज पेरेंट। अगर हम पेरेंट्स की बात करें या फिर अगर हम डॉटर सेल्स की बात करें तो बोथ पेरेंट्स की बात करें डॉटर्स की बात करें तो दोनों का जो साइज होता है वो कैसा होता है आपका, रिमेन सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है। वाइल क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज में जो डॉटर सेल्स होते हैं दैट मींस ब्लास्टोमेर जो होते हैं उनका साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस में डॉटर सेल्स का साइज क्या होता है, रिमेन कॉन्स्टेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें डीएनए सिंथेसिस की बात करें तो जो क्लीवेज है इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस फास्टर होती है। तो एक तो आपका ओनली एस एंड एम फेज प्रेजेंट होता है क्लीवेज के अंदर, इवन एस फेज भी क्या होता है आपका शॉर्टर होता है, आपके ओनली 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है एज कंपेयर टू माइटोसिस। लेस टाइम क्या होता है आपका अकर्स होता है सिंथेसिस का, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो डीएनए सिंथेसिस होते हैं क्लीवेज के अंदर वो फास्टर होती है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस है वो कैसी होती है आपकी, स्लो अकर होती है। अगर हम एन बाई सी रेशो की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लीवेज के अंदर कैसा होता है आपका एन बाई सी रेशो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। वाइल नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो आपका जो न्यूक्लियर जो कंटेंट होता है वो सेम होता है डॉटर सेल्स के अंदर, इवन जो साइज होता है आपकी डॉटर सेल्स का वो भी क्या होता है आपका, सेम होता है। दैट्स हम कह रहे हैं कि एन बाई सी जो रेशो है वो क्या होता है आपका, रिमेन सेम होता है इन नॉर्मल माइटोसिस। आपके जो क्लीवेज प्रोसेस है इसमें ओनली दो ही फेज प्रेजेंट होते हैं, एस और एम फेज प्रेजेंट होते हैं, आपके जी वन एंड जी टू फेज क्या होते हैं आपके, अब्सेंट होते हैं। वाइल नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो नॉर्मल माइटोसिस में ऑल फोर फेज प्रेजेंट होते हैं, जी वन एस जी टू एंड एम फेज। तो ये कुछ डिफरेंस थे नॉर्मल क्लीवेज में और आपके माइटोसिस में। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि विच
डिवीजन इज फास्टर, तीन डिवीजन है, एक आपका जायगोट के अंदर क्या और आपका क्लीवेज हो रहा है, एक सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या और आपका नॉर्मल माइटोसिस अकर हो रहा है, और एक आपकी कैंसरस सेल्स है, इस कैंसरस सेल्स के अंदर क्या और आपका अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, विच डिवीजन इज फास्टर, किसका डिवीजन फास्ट होगा, क्लीवेज का फास्ट होगा, नॉर्मल माइटोसिस का फास्ट होगा, या फिर आपका कैंसरस सेल्स का फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, आपका क्लीवेज होता है, सबसे फास्ट कौन सा होता है, क्लीवेज होता है फास्ट, सेकंड आपकी कैंसरस सेल्स, और थर्ड पे क्या होता है आपका नॉर्मल डिवीजन होता है, क्योंकि क्लीवेज में क्या होता है आपके ओनली एस एंड एम फेज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, कैंसरस सेल से भी क्या होता है आपका फास्ट होता है, वाइल कैंसर सेल में ऑल फोर फेज प्रेजेंट होते हैं, बस उसके अंदर रेगुलेशन अब्सेंट होता है, वाइल आपके क्लीवेज के अंदर क्या होता है एस और एम फेज होने के कारण क्या होता है आपका फास्टर रेट से क्या होता है आकर होता है। अगर हम क्लीवेज, नॉर्मल माइटोसिस और कैंसर सेल्स में डिफरेंस की बात करें तो सबसे फास्ट क्लीवेज, देन कैंसर सेल्स का डिवीजन, और सबसे लास्ट में क्या होगा आपका नॉर्मल माइटोसिस का डिवीजन क्या होगा आकर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात करते हैं, तो जो क्लीवेज है प्लेन्स की बात करें तो फोर प्लेन से क्या होते हैं आपके डिवाइड होते हैं, जिसमें से एक टाइप है आपका मेरिडोनियल प्लेन, सेकंड है आपका वर्टिकल प्लेन, थर्ड है इक्विटोरियल प्लेन, और फोर्थ है आपका लैटिट्यूडनल प्लेन, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं आपका ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जानते हैं। तो चार प्लेन ऑफ क्लीवेज प्रेजेंट होते हैं, मेरिडोनियल, वर्टिकल, इक्विटोरियल और आपके लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो आपके इन प्लेन ऑफ क्लीवेज को समझने से पहले आपको दो चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए, दो चीज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए जैसे ग्राफ आप बनाते हो तो दो एक्सिस आप प्लॉट करते हो, एक आप एक्स एक्सिस प्लॉट करते हो और सेकेंड क्या करते हो आप वाई एक्सिस प्लॉट करते हो। सेकेंड आपको जब एग्स पढ़ा होगा तो आप अपने एग्स के अंदर पोलैरिटी पढ़ी होगी, एक आपने एनिमल पोल पढ़ा होगा और सेकेंड इसके अपोजिट क्या होता है आपका वेजिटल पोल पढ़ा होगा, तो आपको एक एनिमल पोल के बारे में पता होना चाहिए, वेजिटल पोल के बारे में पता होना चाहिए, और सेकेंड आपको इन एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अगर जो क्लीवेज फ्यूरो है वो क्या करे, बाइसेक्ट करे, किसको, एग को बाइसेक्ट करे, जायगोट को बाइसेक्ट करे, या फिर ब्लास्टोमेर्स को बाइसेक्ट करे आपके वाई एक्सिस से, कहां से बाइसेक्ट करे, वाई एक्सिस से, मीडियन एक्सिस से बाइसेक्ट करे, आपके सेंटर से बाइसेक्ट करे, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल प्लेन बोलते हैं। अगर क्लीवेज फ्यूरो, क्लीवेज फ्यूरो क्या करे, बाइसेक्ट करे आपके जायगोट को, ब्लास्टोमियर्स को, सेंटर से वाई एक्सिस से क्या करे आपके बाइसेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल प्लेन बोलेंगे। तो आपका ये क्या है, सेंटर, तो मीडियन जो लाइन है क्लीवेज फ्यूरो है वो क्या कर रही है आपकी सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है एनिमल पोल को और आपके वेजिटल पोल को, जिसके कारण रिजल्टेंट क्या हो रही है आपकी दो ब्लास्टोमियर फॉर्म हो रही है, दोनों जो ब्लास्टोमियर है सेंटर से डिवाइड होने के कारण कैसे होते हैं आपकी सेम साइज की क्या होती है आपकी ब्लास्टोमियर फॉर्म होती है। तो मेरिडोनियल प्लेन के अंदर जो क्लीवेज फ्यूरो है वो कहां से बाइसेक्ट कर रही है आपकी वाई एक्सिस से, क्या कर रही है आपकी बाइसेक्ट कर रही है मीडियम से बाइसेक्ट कर दी है, सेंटर से बाइसेक्ट कर दी है, और जो ब्लास्टोमियर्स है वो कैसी आपकी सेम साइज की क्या होगी आपकी फॉर्म्ड होगी। सेकंड जो प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है वो होता है आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज भी आपका कहां से अकर होता है, वाई एक्सिस से अकर होता है, आपके एनिमल और वेजिटल पोल को क्या करता है आपके वाई एक्सिस से क्या करता है क्लीवेज फ्यूरो क्या करता है बाइसेक्ट करता है, बट अदर देन सेंटर, इसमें जो आपका सेंटर है वहां से क्या होता है आपका बाइसेक्शन नहीं होता, अदर देन आपके जो सेंटर है उससे क्या होता है आपका वाई एक्सिस से क्या करते हैं क्लीवेज फ्यूरो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलते हैं। ये आपका आइदर आपकी जो मेरिडोनियल जो प्लेन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और आपके राइट हैंड साइड में भी क्या हो सकता है आपका अकर हो सकता है। तो वर्टिकल जो प्लेन है ये आपका वाई एक्सिस पे अकर होता है अदर देन सेंटर, कहां पे अदर देन सेंटर क्या करता है आपके जो ब्लास्टोमियर्स है या फिर जायगोट है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करने का काम करता है। थर्ड अगर हम बात करें आपके इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ जो क्लीवेज है ये आपका अकर्स होता है एक्स एक्सिस पे, इस पे अकर्स होता है
एक्स एक्सिस पे, तो दो प्लेन हमने बताए है, दो आपकी पोलैरिटी बताई है, एक आपका एनिमल पोल, इसके अपोजिट में क्या होता है आपका वेजिटल पोल। तो आपके एनिमल और वेजिटल पोल को क्या कर रहा है, टू हाफ में डिवाइड करता है राइट एंगल पे, एक्स एक्सिस पे क्या करता है डिवाइड करता है। तो इस क्लीवेज व्यूरो को हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलेंगे, आपके इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलेंगे। इस इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज में क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपकी जो डॉटर जो सेल्स है वो क्या हो रही है आपकी सेम साइज की क्या होती है, डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, बिकॉज इसमें भी जो डिविजन है वो कहां से अकर हो रहा है, आपका सेंटर से अकर हो रहा है। इक्विटोरियल प्लेन में आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस से क्लीवेज व्यूरो बाइसेक्ट करती है, सेंटर से बाइसेक्ट करती है, आपके राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है एनिमल और वेजिटल पोल के, और जो ब्लास्टोमेर फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी सेम साइज की फॉर्म होती है। वाइल फोर्थ जो टाइप है जिसको हम लैटिट्यूडनल, होरिजोनटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ के नाम से जानते हैं, तो इसमें एनिमल पोल और जो वेजिटल पोल है इसके राइट एंगल पे तो होता है डिविजन, बट सेंटर के अलावा मे बी अबो दी सेंटर या बिलो दी सेंटर क्या होता है, एक्स एक्सिस से क्या करते हैं क्लीवेज व्यूरो बाइसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं लैटिट्यूडनल या फिर होरिजोनटल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो इसमें जो क्लीवेज व्यूर है वो कहां से बाइसेक्ट कर रही है, आपकी वाई सॉरी आपके एक्स एक्सिस से क्या कर रही है, आपकी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, अदर देन सेंटर क्या कर रही है आपकी बाइसेक्ट कर रही है, और जो ब्लास्टोमेर जो फॉर्म हो रही है वो कैसे हो रही है, आपकी अनइक्वल साइज की क्या हो रही है, आपकी ब्लास्टोमेर फॉर्म हो रही है, अनइक्वल साइज की क्या होती है, ब्लास्टोमेर फॉर्म होती है। तो चार प्लेन ऑफ क्लीवेज है, मेरिडोनियल, वर्टिकल, इक्विटोरियल और आपका लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। एक और डायग्राम देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फोर जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है जिसमें हमने बताया कि एक साइड होता है आपकी एनिमल पोल जहां से आपकी पोलर बॉडी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है, इसके अपोजिट जो साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। अगर एनिमल पोल और वेजिटल पोल को क्या करें, सेंटर से जो क्लीवेज व्यूरो बाइसेक्ट करती है आपके वाई एक्सिस से, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल प्लेन ऑफ क्लीवेज बोलते हैं। और इसके आइदर साइड अदर देन सेंटर आपके वाई एक्सिस से जो प्लेन ऑफ क्लीवेज व्यूरो बाइसेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज। वाइल एनिमल पोल और वेजिटल पोल को क्या करें, राइट एंगल से एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट करें टू इक्वल हाफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज। वाइल अदर देन इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज आपके अबो या बिलो जो आपकी क्लीवेज व्यूरो बाइसेक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ क्लीवेज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, होरिजोनटल या फिर लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो फोर प्लेन ऑफ क्लीवेज होते हैं, मेरिडोनियल, वर्टिकल, इक्विटोरियल और फोर्थ आपका ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज एंड लॉ ऑफ क्लीवेज। थैंक यू।